चुरू जिला मुख्यालय पर बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया की जनसभा का आयोजन हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर में खराबी होने की वजह से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी जनसभा में नहीं पहुंच पाई। 5 घंटे के इंतजार के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हेलीकॉप्टर से आम सभा में पहुंचे, जहाँ सभा में मौजूद लोगों को हरियाणा के कार्यकारी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने मंच से प्रियंका गांधी का वॉइस मैसेज सुनाया, जिसमें उन्होंने रफीक मंडेलिया को वोट देने का संदेश देते हुए हेलीकॉप्टर खराब होने का हवाला देकर खुद के नहीं आने पर खेद जताया। कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में सुबह 10 बजे उनके यहां पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने दोपहर में करीब 2 बजे मंच से घोषणा कर उनका हेलीकॉप्टर जयपुर में खराब होने की जानकारी सभा में जुटी भीड़ को दी। कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में आयोजित जनसभा में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के किसान और जवान के साथ धोखा किया है। उन्होंने सेना में अग्निवीर स्कीम लागू कर युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया है। हरियाणा और राजस्थान के पहलवानों, जवानों और किसानों का प्रदेश है, लेकिन केंद्र सरकार ने तीनों को ही प्रताड़ित कर धोखा दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाषण के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का जिक्र भी किया। सभा में हुड्डा के साथ हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाद आदि मौजूद रहे। जनसभा में रफीक मंडेलिया बोले कि इस बार चुरू की जनता बदलाव के मूड में है। मंडेलिया ने मारवाड़ी में कहा कि बेटी का बापों, एक बार माने भी मौको दे दियो, विकास नहीं करवावा तो पटखनी दे दीजियो। हमारी नेता प्रियंका जी का प्रोग्राम था, वो जयपुर आ भी चुके थे, वहाँ हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण वो यहाँ नहीं पहुँच सके। उन्होंने इसलिए हुड्डा जी को अपना मैसेज देने के लिए भेजा, बहुत कोशिश की, ठीक कराने में बहुत लेट हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपना भेजा। और हम चुनाव होने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रियंका जी को चुरू में लाऊंगा और लोगों को फिर संबोधित कराऊंगा। ये तो मजबूरी थी, देखो मशीनरी है, खराब कभी भी हो सकती है, आदमी का पता नहीं रहता, तो ये तो मशीनरी है, इसलिए वो नहीं आज के, बाकी कोई कारण नहीं था। ये कहा जा रहा है कि जो प्रियंका गांधी है उनको केवल भीड़ जुटाने के लिए और बुलाया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका जी का प्रोग्राम फिक्स था, पहले से प्रोग्राम हो गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके, और कोई भी कारण नहीं था। सभा तो एकदम सफल है, आपने देखा है सब लोगों ने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई कारण वारण कुछ भी नहीं था। हेलीकॉप्टर मशीनरी खराब होने से वो नहीं आ सकी, और उन्होंने इसलिए अपना वॉइस नोट भेजा, और प्रियंका जी को हम चुनाव के बाद चुरू के अंदर लाएंगे। कार्यक्रम था वो नहीं आ सकी क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई थी, तो उन्होंने आदेश दिया, मैं भेजा उन्होंने निवेदन करने के लिए कि सब 36 बरादरी एक होकर कांग्रेस पार्टी को यहाँ से कामयाब करें। सर, आप पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, किस तरह की लग रहा है कि राज्य सरकार आएगी या कितने तक हो सकता है? जो मैं देख रहा हूँ रुझान लोगों का कांग्रेस के पक्ष में है, और कांग्रेस की सरकार फिर से बनने जा रही है। राजस्थान है बात करनी है, उन्होंने बता दिया, अपना वॉइस मैसेज भी भेज दिया, मैंने भी उनकी तरफ से माफ़ी मांग ली, ये भी कहा है कि भाई यहाँ से कामयाब करके भेजेंगे तो धन्यवाद करने भी हम उनको यहाँ भेजेंगे। किस तरह की मांग की है जनता से आपने, आए जनता से किस तरह की वादे किए हैं आपने, क्या मुद्दे रहे? गारंटी दे रखी है, जो गारंटी है वो पूरी होंगी, जो कांग्रेस ने गारंटी क्या आह्वान किया पूरे करेंगे, सब 36 बरादरी कांग्रेस को वोट।